बहुत ही गहरे दुख का विषय है कि आज राजकिशोर जो हिंदी के बहुत ही यशस्वी संपादक, पत्रकार, लेखक, विचारक, उनका निधन हो गया और पिछले कई दिनों से वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गंभीर रूप से बीमार होकर भर्ती थे। और उनके परिवार पर ऐसा लगता है कि जैसे विपत्तियों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। अभी कुछ ही दिन पहले उनके एकमात्र बेटे, जो बहुत ही होनहार प्रोफेशनल थे, लंबे समय तक उन्होंने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया के उसमें भी काम किया, बीबीसी के साथ भी वो जुड़े थे, उनका निधन हो गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि उस सदमे को झेलना बहुत मुश्किल था राजकिशोर जैसे एक संवेदनशील व्यक्ति के लिए। सेहत उनकी पहले से भी थोड़ी बहुत ख़राब थी, लेकिन वो इस तरह चले जाएंगे हमें यकीन नहीं था। राजकिशोर हिंदी के उन गिने चुने संपादकों, वरिष्ठ पत्रकारों और विचारकों में हैं जो लंबे समय तक अपने जीवन में अपनी प्रतिबद्धता, अपने उसूल और अपने जीवन मूल्यों पर कोई समझौता किए बिना निरंतर उन्होंने पत्रकारिता में सार्थक पहल की। रविवार के दिनों से लेकर नवभारत टाइम्स के दिनों तक वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, खासकर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से उनका, उनके दर्शन और उनकी विचारधारा से उनका गहरा तादात्म्य था। लेकिन उनका फलक अगर हिंदी पत्रकारिता के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही विशाल था। अनेक क्षेत्रों में, अनेक विषयों पर उन्होंने काम किया। विचार पक्ष उनका इतना मजबूत था कि जब वो रविवार से कलकत्ता से नवभारत टाइम्स में यहाँ आए तो उनको संपादकीय लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये संजोग का संजोग है कि मैं भी नवभारत टाइम्स में उन दिनों था और मैं उनके एडिटोरियल्स, उनके अग्रलेख और समय समय पर उनकी जो टिप्पणियाँ होती थी उनको मैं पढ़ता था। एक ताजगी थी उनकी भाषा में, भी एक रिदम था, बहुत ही बेहतरीन किस्म की भाषा। हिंदी पत्रकारिता में कुछ जो संपादक बहुत अच्छी भाषा जिनकी हिंदी में थी, खुरदुरी जो बोलचाल की, लेकिन जिसमें एक एक अजीब तरह का रिदम था, वो राजकिशोर थे उस तरह की भाषा लिखने वाले। और तमाम विषयों पर, चाहे वो दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, सामाजिक न्याय के सवाल हों, आर्थिक सवाल हों, सामाजिक मुद्दों के विविध आयाम हों, सब पर उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से काम किया। नवभारत टाइम्स के दिनों में उनसे बहुत ज़्यादा मिलना जुलना मेरा होता था और मैंने महसूस किया कि वो अपने सोच के स्तर पर, अपनी विचारधारा के स्तर पर, अपने मूल्य के स्तर पर वो आम तौर पे समझौता नहीं करते और तमाम दबावों के बीच भी एक कोशिश करते हैं कि अपनी बात कही जाए, जो बात उनको सच और सही लगती है। मैं राजकिशोर को पुराने दिनों की याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नई पीढ़ी के लोग पुराने हिंदी के उन पत्रकारों को, जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता का ध्वज लगातार ऊंचा किए रहा, उनसे सीखें, उनको पढ़ें और उनके आदर्शों के हिसाब से नया रास्ता अपना बनाएं। नमस्कार।